हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. लेट अस स्टार्ट टू कंटिन्यू द न्यूट्रिएंट इन द प्लांट. हमने चर्चा किया था न्यूट्रिशन पर, तो आज हम बात करेंगे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द प्लांट. तो पहले बात करें कि न्यूट्रिशन कितने तरह के होते हैं. देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक. ऑटो मतलब अपने से, ट्रॉपिक मतलब जो भोजन, जो ऑर्गेनिज्म अपने से भोजन बनाते हैं उसको हम ऑटोट्रॉप कहते हैं. और जब जो भोजन के लिए किसी और पर डिपेंड होते हैं उसको हम लोग कहते हैं हेटरोट्रॉप्स. तो इसमें अब जो प्लांट की बात बोलिएगा, सब प्लांट होते हैं, तो प्लांट जो आपका ऑटोट्रॉप पे आता है. ऑटोट्रॉप का मतलब होता है ये भोजन जो है ऑटोमेटिकली अपने ही बनाता है. तो कैसे बनाता है तो हम बताना चाहेंगे. ये प्रोसेस है, उसको हम लोग कहते हैं प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट इट प्रजेंट्स ऑफ द सनलाइट एंड क्लोरोफिल एंड द हेल्प ऑफ CO2 एंड H2O make the food and release O2. ये प्रोसेस है, ये फोटोसिंथेसिस है. तो इसके थ्रू से क्या होते हैं, पौधे जो क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट. तो इसके लिए देखिए, जो आपका CO2 है, CO2 जो वो पौधे जो लेते हैं वो एनवायरनमेंट से, ठीक है. और H2O जो है, वाटर जो है, वो रूट के थ्रू उस पौधे को मिलता है, पत्ती तक जाता है. और उसके बाद सनलाइट बहुत नीड है, क्योंकि बिना सनलाइट का फोटोसिंथेसिस होता नहीं है. और क्लोरोफिल आपको जानते होंगे, क्लोरोफिल के चलते ही पौधे के पत्ते जो होते हैं हरे होते हैं. तो क्लोरोफिल जो है, जिसके प्रजनन बहुत जरूरी है, उसके फलस्वरूप ये क्या होते हैं कि भोजन बनाते हैं. और भोजन बनने के बाद O2 रिलीज होता है, जो हम लोग के लिए जरूरी, जितने भी एनिमल है वो रेस्पिरेशन के थ्रू पे वही लेते हैं. और ये समझिए कि एक ऐसा प्रोसेस है जो भोजन जो होता है ये बनाते हैं, और उसके बाद यही भोजन से क्या होते हैं कि जीवों को भी मिलता है, ठीक है. तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर बात करेंगे कि अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे करते हैं.